YouTube चैनल वेलकम बैक टू शहसीन ब्लॉग। तो गाइस आज आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी सफायर का एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस, जो कि मैंने आप लोगों को पहले तो इसका अनस्टिच लुक भी दिखाया था प्रॉपर, और मैंने आप लोगों को इसकी कंप्लीट एक वीडियो दिखाई थी। मैंने आप लोगों को बताया था ये बहुत ही प्यारा है, इसका बेस कलर जो है वो ऑफ वाइट है, उसके ऊपर डिफरेंट फ्लावर्स बने हुए हैं, तो ये बहुत ही क्यूट है। अभी मैंने इसको स्टिच करवाया था और ये आ चुका था, तो आई थॉट अब हम लोग इसके ऊपर रिव्यू कर लेते, क्योंकि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि मैं आप लोगों को स्टिच लुक भी दिखाऊंगी। तो उसी तरह से अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से स्टिच हुआ है, फिर मैं इसमें जो कुछ थोड़ी बहुत मैंने डिज़ाइनिंग्स करवाई हैं वो भी आपको दिखाऊंगी, ताकि अगर आप लोग भी कोई मतलब आइडिया लेना चाहते हैं स्टिचिंग के पर्पज़ से या फिर किसी डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से, तो आपको भी वो आइडियाज़ मिल सके। इसका ना गला बनवाना था कुछ ऐसे था कि वी शेप में आना था, और वो यहाँ पे लेसेस आनी थी ज़िगज़ैग वाली लेसेस, मगर टेलर ने पता नहीं उसको समझ में नहीं आया, उसने यहाँ पर ये पूरा इस तरह से डिज़ाइन बना दिया। तो जब मैंने ये डिज़ाइन देखा तो मैंने कहा ये आपने क्या कर दिया, तो उसने कहा आप इसको चेक कर लें, अगर आपको सही नहीं लगता तो मैं इसको वापस सेट कर दूंगा। तो अब जब ये इसने कुछ इस तरह से कट कट करके और इसके ऊपर लेसेस के साथ ऐसे डिज़ाइन बनाया, मेरा जो डिज़ाइन का सैम्पल था वो कुछ डिफरेंट था, और उसने ऊपर से भी इसी तरह से कर दिया था। अब जो ऊपर वाली चीज़ थी जो कि यहाँ पे थी वो तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा चलो उसको मैं हटा दूँगा था। मैंने आप लोगों को इसको कंप्लीट दिखाया था। अच्छा, अब मैंने ना इसको अभी भी फुल लॉन्ग शर्ट स्टिच करवाई, क्योंकि फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा था, और फिर मैंने सोचा कि आजकल वैसे ही लॉन्ग चल रहे हैं तो लॉन्ग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल ये लॉन्ग सी शर्ट है, और नीचे भी इसकी लेस वगैरह लगवा दी थी। बाकी इसका कट वही है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा बॉक्स कट के अंदर नीचे जाके वो थोड़ा ए लाइन हो जाता है, उस तरह की शेप है, और स्ट्रेट शर्ट है, क्योंकि आजकल फिर से फैशन में स्ट्रेट शर्ट्स हैं और वही प्यारी लगती है। अगर थोड़ा उनको हम चेंज करें तो वो फिर इतनी खास नहीं लगती। और ये थे अच्छा स्लीव्स भी इसके फुल ही है, ऑलमोस्ट फुल है, और आगे इस तरह से इस पर लेस लग हुई। वैसे मैंने सोचा था मैं इस पर ऑफ वाइट कलर की लेस लगवाऊंगी, बट ऑफ वाइट तो नहीं लगवाई, बट ये मैरून लगा दिए, तो आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑफ वाइट से शायद वो सारा कुछ एक जैसा ही हो जाता, तो इस वजह से। तो ये देखें यहाँ पे भी सेम उसी तरह से बॉर्डर्स इसके साथ इंक्लूडेड थे, और गला इस तरह से। अच्छा, गला मैं भी आप लोगों को ऊपर से बताऊंगी कि मैंने इसमें अपना क्या दिमाग इस्तेमाल किया, वो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और शर्ट जो है पूरी इस तरह से थी, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी शर्ट, मैंने आपको बताया भी था। फिर ये ड्रेस दोबारा से स्टॉक में आया ही नहीं। इसका ट्राउज़र आप लोग देख लें, ट्राउज़र भी इसका मैंने सिंपल सा बनवाया था, इस तरह से है, और ये आप लोग इसका कट देख सकते हैं। बस स्ट्रेट रख पाया क्योंकि मुझे लग रहा था लॉन्ग शर्ट है तो उसके साथ स्ट्रेट ही अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा फिटेड भी नहीं है और लूज़ भी इतना नहीं है, तो मतलब सही है, जैसे एक होना चाहिए स्टैंडर्ड ट्राउज़र, उस तरह का इसका ट्राउज़र है। यहाँ से आप लोग देख लें तो इसकी बेल्ट वगैरह सब कुछ जो है वो प्रॉपर उसी तरह से स्टिच हुआ है। अब जो शर्ट का प्रिंट था, मैंने आप लोग को बताया था थोड़ा बहुत इसके अंदर डिफरेंस था, इतना ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा बहुत है, कि जिसमें शर्ट के प्रिंट्स थोड़े बड़े हैं एंड देन ट्राउज़र के थोड़े छोटे हैं, मगर जो प्रिंट है दैट इज़ वेरी क्यूट। और मैंने जब ये पहना तो मेरी कज़न को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड शी वाज़ आस्किंग मी कि तुमने ये कब लिया था, मुझे भी ये बहुत पसंद आ रहा है। तो अब जब ये अगर नज़र आए तो मेरे लिए तो फ़ौरन से परचेज़ कर लेना, और जो है मैं बस उसी वक्त मुझे मैसेज कर देना ये जैसे ही अवेलेबल होता है। तो मैंने उसका ओके मैं तुम्हारे लिए कर लूँगी परचेज़, मगर जो है ये अगर अब आएगा तो, क्योंकि उस वक्त भी एक ही बार ये रीस्टॉक हुआ था, फिर मैंने परचेज़ किया और मुझे काफ़ी क्यूट लग रहा था, क्योंकि इसके कलर्स बड़े प्यारे थे। मैंने आपको बताया था जैसे प्रिंटेस्ट होते हैं डिज़ाइन, बिल्कुल वैसे कार्ड्स होते हैं इस तरह के, तो वो बहुत नाइस लगते हैं। अच्छा, ये था ट्राउज़र एंड दिस इज़ द शर्ट। और शर्ट पे मैं आप लोगों को कुछ ये बता रही थी कि जो टेलर ने क्या कर दिया था, मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, उसने ये पूरा प्रॉपर जो है गला इस तरह से बना दिया था, जैसे ये इसने बनाया डिज़ाइनिंग्स कर दी थी, तो अंदर यहाँ से भी पूरी वैसे ही कर दी। अब ये चीज़ तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रही थी, वैसे तो शायद इतना बुरा नहीं लग रहा था बट स्टिल मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो जो उसने ये कि मैंने इसको बंद कर दिया, मैंने उसको कहा कि मैं अभी इसको ट्राई करके देखती हूँ इसको बंद करके कि कैसा लगता है, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि आप मुझे भेज दें दोबारा से, तो जैसे आपको नेक सही लगती है मैं इसकी नेक उसी तरह से कर दूंगा। और ये मेरा दूसरा टेलर था जिससे मैं कभी कभार ड्रेसेस बनवाती हूँ, तो उस वजह से उसको डिज़ाइन का थोड़ा सा इशू हुआ, उसको समझ में नहीं आया तो उसने ऐसे बना दिया। तो अब जो है ये मैं उसको शर्ट वापस भेजूंगी, और आई थिंक ये तो सही लग रहा है, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो आप लोग इसको कॉपी भी कर सकते हैं, बट जो वो ऊपर वाली चीज़ थी ये वाली, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसको वो ज़रूर मैं एडजस्ट करवाऊँगी। अब मैं आपको उसका खूबसूरत सा दुपट्टा दिखाती हूँ। अच्छा, आई थिंक मैंने आप लोगों को कम्प्लीट शर्ट दिखा दी है, क्योंकि बिल्कुल मैंने सिंपल रखा है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
है इसका बड़ा ही खूबसूरत सा दुपट्टा जो कि सिल्क स्टफ के ऊपर था, मैंने आप लोगों को कंप्लीट दिखाया था। अगर आप लोग इसका अनस्टिच लुक देखना चाहते हैं तो आप लोग उस वीडियो के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से आप लोग इसका जो मैंने अनस्टिच वाली वीडियो दिखाई थी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको आई बटन में लगा दूँ और वहाँ से आप लोग इसको देख सकें। दुपट्टे पे बस मैंने इसकी एक जो सिलाई सी होती है वो लगवा ली थी ताकि एक प्रॉपर फिनिश लुक आ जाएगी दुपट्टे की, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं करवाया। दुपट्टा इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा इसका फैब्रिक है दुपट्टे का, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका स्टफ बहुत मतलब सुपर सॉफ्ट और ये कॉटन का आउटफिट है जो कि विंटर में या अभी जो करंटली सीजन चल रहा है उसके अंदर आराम से इसको पहन सकते हैं और कैरी इजीली कर सकते हैं। भी बहुत ज़्यादा प्यारा है एंड द बेस इज ऑफ वाइट जो कि बहुत प्यारा लगता है, तो मैं आप लोगों को इसको पहन के भी आप लोगों को ये भी पता चले कि पहनने के बाद इस ड्रेस की क्या लुक।